मानना कैसा है कि इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें कुल मतदान 61% 61% हुआ था यूपी में, 29% बीएसपी को मिला, सपा गठबंधन को 23% मिला था, इलेक्शन कमीशन का बता रहे हैं, और 52% हो गया, सिर्फ 9% ने में बीजेपी 350 सीट लाई, बाकी चीजें हमें कहने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है। फातिमा जी आपने भी व्हाट्सएप का फॉरवर्ड आपने मेरे शो पे कह दिया, इलेक्शन कमीशन, फातिमा जी थोड़ा इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ये जो पोलिंग परसेंटेज निकाला जाता है, जितने वोट पड़ते हैं उसमें से निकाला जाता है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फातिमा जी सुन लीजिए, 61% वोट पड़ा है टोटल, उस 61% में से ये 29 और 23% है, वही तो कह रहे हैं हम, तो आप बाकी 9% कहाँ से निकाल रही है, वही तो कह रहे हैं कि 29 और 23, ये जो बताया आपको हमने, 29 और 23%, 29 और 23 कितना हुआ फातिमा जी, 29 और 23 52 हो गया, 52% हुआ, तो हम भी कह रहे हैं, अब आप कह रही है कि सिर्फ 9% बचा बीजेपी के लिए, हमने क्या कहा आपको, छोड़ दीजिए वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड, छोड़ दीजिए इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का है ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, नहीं ये गलत है, इसमें कुछ नहीं है, एनीवे दूसरी बात, जो वोट पड़ा है उसमें से काउंट होगा, 61% की ही बात हम बता रहे हैं, लेकिन 61% का आप काउंटर निकालिएगा ना, 61% में से 23%, 61% में से 29%, 61% की बता रहे हैं मानक, 61% की बता रहे हैं, 61 में से 52 अपना निकाल लिया तो 9% आप बीजेपी को दे रही हैं, तो वही तो हम कह रहे हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं है, 61% की वोट, अच्छा एनीवे चलिए उस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी नहीं।